वाइट ऑस्ट्रिच फिदर लिया है जिसको मेटल की वायर के साथ अटैच किया है पहले ग्लू की मदद से। वायर की हेल्प से एक तो इससे स्पोर्ट मिल जाती है और काफ़ी इजीली पेन के साथ अटैच भी हो जाता है और अटैच करने में कोई दिक्कत नहीं आती। वुडन लेजर कट केक टॉपर, पीकॉक फिदर, कोई सा भी नग, सिंपल ग्लू गन या कोई भी यूएचयू। वायर को पेन के साथ अटैच करेंगे, पहले थ्रेड के साथ भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने दिखाया था थ्रेड इसीलिए, लेकिन अगर आप इजीली हैंडल कर सकते हैं तो फिर ग्लू गन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। पेन की नोजल के साथ साथ ही इसके हम प्रेस करते जाए ताकि जो ग्लू ज़्यादा लग जाती है वो बैलेंस हो जाए। थोड़ी देर वेट करें ताकि ये सेट हो जाए। रिबन को इसके साथ कवर करेंगे। कवर ध्यान से करना है ताकि कोई भी रफ लुक ना आए। मटेरियल जो है फीदर तो अमूमन मार्केट में नहीं मिलते, ये ऑनलाइन ही मैंने भी लिए हैं। ऑनलाइन काफ़ी स्टोर हैं जहाँ से ये मिल जाते हैं। फेसबुक पे भी काफ़ी पेजेस हैं और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी पेजेस हैं, लेकिन कुछ पेजेस हैं जो रिलायबल हैं, रीजनेबल भी हैं, जिनमें आर्ट क्राफ्ट लाहौर शामिल है, शेख मेटल स्टोर शामिल है, मिशी एक्सेसरीज, इनसे मैंने खुद बाय किए हुए हैं। ये केक टॉपर जो है कबूल है का, ये भी मैंने मिशी से लिया है, और फीदर जो है शेख मेटल स्टोर से लिए हैं, पहले मैंने आर्ट क्राफ्ट लाहौर से भी लिए हुए हैं। अगर आपने भी बाय करने हो तो इनसे ले सकते हैं। तरीका का यही है, इनके पेजेस पे मैसेजेस करना होता है और इनको बताना होता है हमें ये चाहिए होता है, बाकी वो सारा प्रोसीजर वो खुद ही बता देते हैं। मोर पंख को मैंने पहले ही रीशेप कर लिया था, जो ऊपर इसके एजेस थे उनको मैंने काट दिया है, क्योंकि मेन लुक जो मैं देना चाह रही थी वो वाइट फीदर का ही है। तो नीचे इसका रफ़ एरिया है वो हम बो की मदद से इसको हाइड कर देंगे और उसके ऊपर नल या कोई भी और आप लगा सकते हैं। कबूल है क्योंकि केक टॉपर है इसीलिए इसकी जो है अजाफी है साथ, लेकिन उसको हम हाइड कर देंगे मोर पंख के नीचे और किसी भी ग्लू की मदद से इसको अटैच कर लेंगे साथ। प्रोजेक्ट जो है वो हमारा सामने है। वायर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ज़्यादा चीज़ें इसके ऊपर लगाई हैं तो वायर के साथ इसको सपोर्ट अच्छी मिल जाती है, तो वायर ज़रूर लगाएँ। वीडियो को लाइक जरूर करना है क्योंकि मैंने किसी पॉइंट अब फेल करके आपको बताया है और